नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के सुना में पंचर लगाते समय हवा वाली टंकी फटने से हुआ विस्फोट, 21 वर्षीय नौजवान की मौके पर हुई मौत। अमृतसर सीआईए स्टाफ की पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू, 400 ग्राम हेरोइन, दो मोटरसाइकिल, दो मोबाइल किए बरामद। अमृतसर के थाना वेरका की पुलिस ने सूचना के आधार पर तीन नशा तस्करों को किया काबू, 2380 नशीली गोलियां व एक एक्टिवा की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के सुनाम में पंचर लगाते समय हवा वाली टंकी फटने के कारण भीषण विस्फोट हो गया, जिस कारण 21 वर्षीय नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना सुनाम के नमोल रोड पर लुक बनाने वाली फैक्ट्री में घटी। मिली जानकारी के मुताबिक खड़े ट्रक का टायर बदलने के लिए, पंक्चर लगवाने के लिए ये नौजवान वाहन लेकर आया था। इस दौरान ट्रक पीछे की ओर लुढ़क गया और हवा वाली टंकी की पाइप के ऊपर ट्रक का टायर आ गया, जिस कारण हवा वाली टंकी में गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया और ये टंकी फट गई, जिस कारण उक्त नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल छा गया। 21 वर्षीय बबनदीप सिंह परिवार में इकलौता ही कमाई करने वाला व्यक्ति था, तो वहीं परिवार और नज़दीकी रिश्तेदारों द्वारा सरकार से परिवार की आर्थिक मदद करने की अपील की गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बबनदीप सिंह नाम का लड़का सी जी, ये ट्रकों नूं पंचर लाने का काम करता सी। वर्कशॉप दे विच ट्रक नूं पंचर लाने आया सीगा। ट्रक है जिहड़ा वह अचानक रुड़ गया पिछले पासे, शायद जैक स्लिप कर गया या किवें होया, ते उहदे कारण उह घड़ूके च वज्जिया, पाइप नीचे आ गई ते इंजन दी स्पीड वधण करके जिहड़ी टैंकी फट गई, जिहदे कारण टैंकी फटण करके बबनदीप सिंह दी मौत हो गई है। हुण असीं जिहड़ी जिवें होया जी उस तरीके दी कारवाई करांगे, तां जो कि जिहड़ा मृतक है, गरीब बंदा, उहनूं जिहड़ा क्लेम है, जो उहदी अणाई मौत होई है, उहनूं जिहड़ा क्लेम मिल सके। पंचर लाने वास्ते गया सी ते उत्थे जो टंकी हुंदी हवा वाली उह फट गई, जिस दे कारण उस दी मौत हो गई। ते इह बच्चा कल्ला ही कमाउण वाला सी घर दे विच, घर दे परिवार दे हालात ने बहुत माड़े ने, इस करके सरकार तों मंग करदे आ वी कोई ना सहायता, कोई मदद कीती जावे। ब्लाड च कम करन गए सीगे पंचर लाने वास्ते, ते टंकी दे फटन कारण उहनां दी डैथ हो गई। ते परिवारिक स्थिति की आ? परिवारिक स्थिति उही कम करन वाले सीगे बेचारे, काम करदे सीगे, घर दा काम गुजारा चलदा सी। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत सीआईए स्टाफ की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब दो नशा तस्करों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी 3 अभिमन्यु राणा ने बताया कि सीआईए 3 अमृतसर की टीम की ओर से नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान दो मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को रोककर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 400 ग्राम हेरोइन और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान मेजर सिंह और कालू, दोनों निवासी गांव चढ़ते वाली थाना अजनाला अमृतसर के तौर पर हुई है। प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये पाकिस्तान से संबंध रखते हैं और ये वहां के तस्करों से ही हेरोइन मंगवाते हैं, जिसकी पूरी जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेजर सिंह ਅਤੇ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਤੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਵੈਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ CIA 3 ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਆ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ,
नाकाबंदी की हुई है तो चैकिंग की जा रही है। उसी दौरान CI3 की टीम का भी एक नाका उत्थे लाया गया सीगा, ते उस दौरान इन्होंने शक के बिना जन रोका गया तो इन्होंने भजन की कोशिश की, इन पासों जी 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। फॉरवर्ड लिंकेज इन्हें खंगाल रहे हैं, बैकवर्ड लिंकेज का पता लग गया। ਇਹ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵੀਰਕਾ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ, ਜਬ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ADCP ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਵੀਰਕਾ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਬਿਰ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਵੀਰਕਾ ਮੇਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕੇ ਚਲਤੇ 3 ਆਰੋਪੀਓ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 2180 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੁੱਛਤਾਛ ਮੇਂ ਆਰੋਪੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਪ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਤੀ ਬੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵੀਰਕਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣੇ ਕਾ ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਪ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 200 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬੁਲਾ ਕਰ ਆਰੋਪੀਓ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪਰ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਟੋਰ ਮੇਂ ਪੜੀ ਸਭੀ ਦਵਾਈਓਂ ਕੋ ਸੀਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਗਈ ਦਵਾਈਓਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇ ਕਰੀਬ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੀਨੋਂ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਆਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਨਿਆ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੀਰੋਇਨ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਟਰਾਮਾਡੋਲ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣੇ ਵੇਰਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2180 ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੇਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਰਕੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਫੋਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ, ਜਬ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ADCP ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ SI ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਓਂ ਸਹਿਤ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਬਾਲ ਰੋਡ ਭਰਾੜੀਵਾਲ ਮੇਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਥੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਸੰਦੇਹ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਰੋਕ ਕਰ ਜਬ ਉਸਕੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੀ ਗਈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਗਈ। ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਓਂ ਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਪਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰ ਆਤਾ ਥਾ ਔਰ ਆਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਚਤਾ ਥਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪਣਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਜਿਹੜਾ 25-26 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। फरीदकोट सीआईए स्टाफ की पुलिस ने लोगों के एटीएम कार्ड धोखाधड़ी से बदलकर पैसे निकालने वाले एक आरोपी को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी वरियाम सिंह खैरा ने बताया कि सीआईए स्टाफ के प्रभारी हरबंस सिंह, एएसआई परमिंदर सिंह और एसआई चरणजीत सिंह द्वारा जांच के दौरान एक आरोपी को काबू किया गया है, जिसकी पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गगन निवासी लाला बस्ती जलालाबाद जिला फाजिलका के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि उक्त आरोपी एटीएम में से पैसे निकालने आए भोले भाले बुजुर्ग लोगों के पीछे खड़ा होकर पहले उनके एटीएम कार्ड का पासवर्ड नोट कर लेता था और फिर होशियारी से एटीएम कार्ड बदल लेता था व बाद में पैसे निकालकर उन्हें लूट लेता था। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से अलग अलग बैंकों के 48 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਜਮ ਹੈਗਾ ਗਗਨਦੀਪ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਏਟੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਗਸ ਏਟੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਟੀਐਮ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਇਨ ਦੀ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਹਾਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਸਰਬੱਤ ਕੇ ਭਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਤੋ ਵਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਭੀ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਉਨ੍ਹੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਭੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें गुरु नगरी की सेवा करने का मौका मिला है और वे जिम्मेवारी सेवा समझकर निभाएंगे। अमृतसर गुरु नगरी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा और लोगों की सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या और लॉ एंड ऑर्डर को सही ढंग से चलाने संबंधी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई है और लोगों में पुलिस की अच्छी छवि बने इसका पूर्ण तौर पर ख्याल रखा जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी, आप महाराज के पवित्र धरती से खड़े हैं, अज उन्होंने नतमस्तक होने वास्ते मैं आया सी, पर तुसी सवाल इदा का किया, मैं कल सारे सवालों का तकरीबन जवाब दिता मीडिया नू। महाराज अगे भी अरदास करते हैं, बाकी साड़ी एफर्ट्स दे विच कोई कमी नहीं होएगी और मैं तुहाडे राही इस पवित्र नगरी के सारे वासियों नू भी ये बेनती करदा कि पुलिस का सहयोग देन और ताकि असी जिहड़ा सुखावां सिक्योर ते वधिया माहौल अपने नागरिकां नू दे सकीए। जिहड़े माड़ी एलीमेंट ने उन्हां दे खिलाफ़ साड़ी कोल कोई गुंजाइश का खाना नहीं, सख्त कार्रवाई होएगी और तुसी देखिया ही है रात तो किस तरह पुलिस और असी आप सारे वड्डे अफसर इंक्लूडिंग मेरे वल्लों सारे ऑफिसर असी बाहर रहे हैं और इदा ही स्पैशल ऑर्गनाइज़ किया असी कि वध तो वध पुलिस जिहड़ी आ बाहर तुहानू दिखेगी भी और जिहड़े पुराने या माड़े एलीमेंट्स ने उन्हां दे उत्ते स्पैशल सर्वेलेंस लाई गई है और मैनूं उम्मीद है कि गुरु महाराज की कृपा नाल आपां सारे इस पवित्र धरती नूं होर सुरक्षित बनावां। एयू स्माल बैंक की ओर से श्रोमणी कमेटी को बैटरी से चलने वाले 4 ऑटो भेंट किए गए।
इस मौके पर इन ऑटोज की बैटरियों को चार्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी AU स्मॉल बैंक की ओर से श्रोमणी कमेटी को तैयार करके दिया गया। गुरु घर में आने वाले श्रद्धालुओं को इस ऑटो रिक्शा से काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। इस ऑटो रिक्शा में 8 के करीब सवारियां बैठ सकेंगी। इस मौके पर श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने AU स्मॉल बैंक के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि AU स्मॉल बैंक के अधिकारियों की ओर से गुरु घर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि उन्हें श्रद्धालुओं की शिकायतें आती थी कि ऑटो और रिक्शा वाले काफ़ी नाजायज पैसे उनसे वसूलते हैं। अब इन ऑटो रिक्शा के चलते गुरु घर में आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। AU एक्चुअली जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, हम इंडिया के लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। हम हमेशा साथ में हमारी ग्रोथ के साथ चाहते हैं कि समाज के लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाएँ, और हमको ये लगा कि यहाँ पर इस तरह की गाड़ियों की ज़रूरत है, और ये हमारा सौभाग्य है कि SGPC ने हमारे को ये परमिशन दी कि हम ये गाड़ियाँ यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, और हमने ये ऑर्गेनाइज़ करी है, और हमने देखा कि साथ में चार्जिंग स्टेशन भी होना चाहिए, एक वेटिंग पॉइंट भी होना चाहिए, तो वो पूरा हमको जगह दी गई इसलिए हम बनवा सके। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं SGPC के। कुछ कंपनियां जेड़ियां जल्ले वो नवा व्हीकल लॉन्च कर दिया थी, वो इत्थे धन धन गुरु रामदास पातशाह जी के दर के उत्ते वो एक व्हीकल पहला डोनेट करके जाते थे, जिहड़ी अज तक भी परंपरा चलती है। और पिछले समय तो साढ़े जेड़े बैंक आ उन्हां दे विच बहुत सारे बैंक भी अपने CSR तले सानू कुछ माया भेट कर जाते, माया इन द सेंस क्या AU बैंक वालों अज 4 बैटरी वाले व्हीकल पैसेंजर्स व्हीकल जिन्हों आप कह लें ये अज उन्होंने डोनेट किए। सो मैं जिथे इन्हों का धन्यवाद भी करदा, उस ने बैटरी चार्ज ले भी वो एक प्लेटफार्म भी जिहड़ा सानू बना के दिता। सो ये तो अलावा होर सारे बैंक भी बहुत सारे आ जिहड़े वख-वख अपने विषयां दे विच अपना जिहड़ा डोनेट करदे आ, ते मैं इन्हां सारिआं बैंकां दा भी धन्नवाद करदा। असीं इन्हां दे विच कोई रिलैक्सेशन नहीं दिंदे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साडा हाई हुंदा, हाई इन द सेंस भी असीं जिहड़े कोटेशन इन्हां कोलों लैंदे आ जिहदा सब तों वध रेट ऑफ इंटरेस्ट होवे उहनूं ही असीं FDR होण जां कोई सेविंग अकाउंट होवे दिंदे आ। सो बहुत सारिया बैंकों ने साडे स्मार्ट रूम भी बनाए आ, बहुत सारिया बैंकों ने होर पालकी वाली बसा भी दित्तियां, पर AU वालिया ने अज ये क्योंकि साड़ी इट इज़ ए नीड ऑफ द आवर के साडे सारा गढ़ी तो ऑनवर्ड जिहड़े आ उत्थे रक्षा वाले 3-व्हीलर वाले बड़िया शिकायतां आउंदियां भी जे पैसे बड़े लेंदे आ, ते सानू कई बार गलियां च घुमा के जिहड़ा 10 रुपए का फेयर हुंदा वो 50-50 रुपए हो जाते। सो इहदे विच मेरा ख्याल 8-सीटड हैगा ये, ते 8 सीटां दे विच बड़ी आराम दे नाल सारे जिहड़े ओह बह जाणगे। मां बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौंक में मां बंगला मुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मां बंगला मुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम मुख्य यजमान अभिषेक भनोट से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से मां बंगला मुखी जी के निमित्त माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डलवाई। तो वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण होती के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए सभी माँ भक्तों से अपनी बात कहते हुए कहा कि अध्यात्म के बिना मानव जीवन अधूरा है, अध्यात्म एक जीवन निर्माण का मूल सूत्र है, दिशा है, पथ है। मानव मात्र के लिए अध्यात्म महत्वपूर्ण है। जीवन की शुरुआत संस्कारों से होती है और संस्कार हमें अध्यात्म से मिलते हैं। हमारे पूर्वजों ने जैसा हमें संस्कार व शिक्षा दी वैसा हम जीने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में कर्म करके शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अध्यात्म में वो शक्ति है जो हारे हुए जीवन को जीत में बदल देता है। उन्होंने बताया कि मां बंगला मुखी जी की अपार कृपा से संपूर्ण फलदायी मासिक हवन यज्ञ 26 नवंबर दिन रविवार को किया जाएगा।
इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, गुलशन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूपवाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल एडवोकेट राजकुमार, अभिलक्षे चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਕਰਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਯ ਹਵਨ ਯੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਪਤਾਹਿਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਸਰਵੋ ਸਰਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜੋੜ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਗਦੰਬਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਵੀਵਾਰ 26 ਤਰੀਕ ਮਾਸਿਕ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਵੱਧ ਕਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਹਵਨ ਯੱਗੇ 'ਚ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਸੰਪੰਨ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਕਰੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੈ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 5-star, ਉਹਦੇ ਦਰਪਣ ਨੂੰ 5-star ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ HDFC ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੋ, ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਛੋੜੋ। ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਮੀ ਲੋਚਨਾਨੰਦ ਆਸ਼ਰਮ ਬਸਤੀ 9 ਮੇ ਪੰਡਿਤ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਕੇ ਸਾਨਿਧਯ ਮੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸਵਾਮੀ ਲੋਚਨਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਏਵਮ ਸਵਾਮੀ ਜਗਦੀਸ਼ਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਪਤਾਹਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਮੇ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੰਦ ਸੇ ਕਥਾ ਕਾ ਰਸਪਾਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਮੋਕਸ਼ ਏਵਮ ਵਾਮਨਾ ਅਵਤਾਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬਤਾਇਆ।
कथा व्यास देवकी नंदन ने कहा कि जब जीवन में संकट आता है तो कोई भी परिजन साथ नहीं देते हैं, केवल भगवान ही उसकी पुकार सुनते हैं। इसलिए परमात्मा ही अपने सगे हैं, हमें परमात्मा के शरणागत रहना चाहिए। भागवत कथा का रसपान करते हुए उपस्थित श्रोता भाव विभोर हो गए। इस दौरान पूरा पंडाल राधे राधे जय श्री राधे की गूंज से गुंजायमान होता रहा। पंडित मनोज कुमार तिवारी ने उपस्थित संगत को बताया कि कथा के दौरान श्री राम जन्म एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव सहित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं सहित परीक्षित मोक्ष का व्याख्यान किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। धर्म प्रयोजित कैंतवो अत्र परमो निर्मस्त्राणां सदां विद्यं वस्तवं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रोन्मूलनम्। वीरव्यासी श्लोक में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भागवत हमें क्या शिक्षा दे रही है। भागवत हमें क्या शिक्षा दे रही है? भागवत हमें शिक्षा दे रही है कि निष्काम भक्ति करो भगवान की, कामना से रहित। निष्काम भक्ति करने वाला ही भगवान का प्रिय बनता है। हनुमान जी महाराज ने निष्काम भक्ति की, भगवान श्री राम से कुछ नहीं मांगा। भगवान श्री राम कितना कुछ देना चाहते हैं, हनुमंत तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी कहते प्रभु श्री राम, हे प्रभुन, आपके चरणों की सेवा को छोड़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। पांचों प्रकार की मुक्ति ले लो, ना ना ना, प्रभु केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। हनुमान जी महाराज निष्काम भक्त हैं, आज सारी दुनिया उनको मानती है, उनके चरणों में प्रणाम करती है। इसलिए जो निष्काम भक्ति करता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है, प्रिय हो जाता। और भागवत हमें क्या शिक्षा दे रही है? भागवत हमें समझा रही है कि यदि आपने भगवान का प्रिय बनना है, भगवान की कृपा का पात्र बनना है, तो अपने अंदर से दो चीजें निकाल दो, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते। दो चीजें अपने अंदर से निकाल दो, कौन कौन सी? पहली बात कपटता, यानी कि अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और। बाहर में हम बड़ी मीठी मीठी भाषा में किसी की प्रशंसा करते हैं, बाद में जाकर के उसको गाली देते हैं, ये कपटता है। कपटता जब तक अंदर रहेगी आप भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश्वरम, अश्विनी कुमार यादव, यशिक कालिया, राधा अरोड़ा, बलजीत कौर, नीलम वोहरा, अमरजीत कौर सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। प्रचोदया स्वाहा। ओम गुरु स्वाहा
राहु और केतु जो छाया ग्रह ने बाकी सत जो ग्रह ने सत्ते ग्रहों के नाम से सत्ते दिनों का नाम किया गया। ठीक है, इस वास्ते इसका पूजन सारा पूजन होता है। जिदा सबसे पहला गणपति की पूजा, फिर एक ओंकार की पूजा, फिर श्री महालक्ष्मी की पूजा, फिर षोडशी माँ दुर्गा की पूजा, उस तो बाद कुंभ की स्थापना, उस तो बाद अभी नवग्रह की पूजा, फिर उस तो बाद अपनी ईश देवी की पूजा। ठीक है, उस समय माँ बगलामुखी की तरह पूजा करते हैं, उन्होंने सारा रूप श्रृंगार जरा वो करते हैं। उस तो बाद फिर अभी अग्नि पूजा करते हैं। अग्नि पूजा करके अभी अपने जड़े यज्ञ देवता उन्होंने जागृत करते हैं। जो यज्ञ देवता जागृत होते हैं उस तो बाद फिर अभी ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और महादेव जी का फिर आवाहन करते हैं। उस तो बाद स्वास्थ्य बचना के नाल अभी पूजन और पाठ करते हैं। और स्वास्थ्य बचना के पाठ के नाल जो कि सारी तरह बिल्कुल असं देखते हैं कि सारे देवी देवता आवाहन कर रहे हैं। सारे देवी देवता जो इतने पधार चुके हैं, फिर उस तो बाद अपनी जोड़ा पाठ है असं जाप करते हैं। अज मैं तुम्हें दसा जी कि बहुत ही अज पवित्र दिन, अज एक हर वीरवार हर गुरुवार को अभी पूजा करते हैं माँ बगलामुखी की। अज माँ बगलामुखी का दिन है, ना ही एकादशी प्रबोधनी एकादशी जी भगवान शिव जी सॉरी भगवान विष्णु जी की प्रिय अज का दिन है। उस तो बाद तीसरा संयोग है अज माँ तुलसी का विवाह। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। संगरूर के सुना में पंचर लगाते समय हवा वाली टंकी फटने से हुआ विस्फोट, 21 वर्षीय नौजवान की मौके पर हुई मौत। अमृतसर सीआईए स्टाफ की पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू, 400 ग्राम हेरोइन, दो मोटरसाइकिल, दो मोबाइल किए बरामद। अमृतसर के थाना वेरका की पुलिस ने सूचना के आधार पर तीन नशा तस्करों को किया काबू, 2380 नशीली गोलियां व एक एक्टिवा की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।